हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर अनु शर्मा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूनिट 3 चल रही है, और बच्चों इसमें जो अब हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है बच्चों चुंबक। चुंबक को बच्चों मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें पदार्थों के चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे, और किस पदार्थ में किस प्रकार का चुंबकीयकरण क्यों होता है इसकी वजह भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो बेटा, ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आएंगे, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। अब बच्चों, जो आज के हमारे टॉपिक हैं वो इस प्रकार हैं। बच्चों, हमने बच्चों पिछली क्लास में कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ी थी चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड, उनके हम संबंध स्थापित करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एच होता है बेटो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक होता है बच्चों चुंबकीय प्रेरण का परिमाण, या चुंबकीय प्रेरण जिसे बी बोलते हैं। ठीक है बच्चों? और किसी वस्तु में जब चुंबकीय प्रेरण के कारण जितना भी चुंबकन आता है उसकी जो तीव्रता होती है बेटा आई होती है। तो इसमें एक संबंध स्थापित किया जाएगा बच्चों। बच्चों, जब हम ये सब चीज पढ़ लेंगे तो हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे चुंबक के आधार पर, किसमें कितना चुंबक आता है और वो किस प्रकार से व्यवहार करता है बेटा। तो सबसे पहले ऐसे जो वर्गीकरण में पहला नाम आता है बेटा, वो प्रतिचुंबकीय का आता है। उसके बाद हम अनुचुंबकीय पढ़ेंगे, लो चुंबकीय। पहले तो इन सबके बच्चों हम इनके व्यवहार देखेंगे और फिर इनके एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये व्यवहार ऐसे क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बेटा, हर एटम के बीच में, मैं आपको बता दूं, सब एटम के जो ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और सबके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति अलग अलग है, और उनके चक्कर लगाने के कारण वो एक धारावाही धारा रूप बनाते हैं जिसकी वजह से एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। तो सबका व्यवहार अलग अलग हो जाता है, वही वजह होगी जो हम उनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो एक एक करके आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इसमें संबंध स्थापित करेंगे। इसके लिए बच्चों एक फिगर की हम जरूरत पड़ेगी। आप भले एग्जाम में मत बनाना बेटा, लेकिन फिगर से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। बच्चों, अगर मैं धारावाही प्रणाली का ले लूँ और उसमें एक धारा प्रवाहित होगी इस तरीके से, आप देख सकते हैं उसके फेरों में, तो बच्चों एक चीज देखो, जो आई होगी वो कितना चुंबक बनाती है बच्चों, वो एच चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। जो उसका कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा वो एच होता है। ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो बन कितना पाता है, बात चुकी है, अगर यहाँ पे एयर है या कुछ भी मीडियम है, तो चुंबकीय क्षेत्र बनता कितना बेटा, तो हम कहते हैं हमें जो मिल पाता है वो म्यू एच मिल पाता है। ठीक है? यही म्यू एच, अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई पदार्थ लिया हुआ है, ये कोई भी पदार्थ हो सकता है बेटा। ठीक है? और इस पदार्थ में जब ये चुंबकीय क्षेत्र जाएगा म्यू नॉट एच, तो इसके लिए चुंबकीय ये पदार्थ भी क्या होगा, चुंबक को प्राप्त करेगा। जब ये चुंबक को प्राप्त करेगा तो इसका अपना जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बच्चों, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं थोड़ी देर के लिए लिख सकता हूँ, अभी बात करूं कि उसकी जो तीव्रता होगी बच्चों वो आई होगी और म्यू नॉट होगी। इतना चुंबकीय क्षेत्र उस पदार्थ के अंदर आएगा। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए गौर करें, म्यू नॉट एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी नॉट, जो एयर में हमें मिलता है, और जो उस पदार्थ के अंदर बन जाता है बच्चों कितना होता है, बी एम, मैग्नेटाइजेशन, यानी चुंबक की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बना। तो अगर ये पूरी वैल्यू में रखी जाए तो बच्चे तो बी नॉट कहलाएगा और ये बी एम कहलाएगा। ये बात समझ आती बेटा? तो बच्चों जो कुल चुंबकीय क्षेत्र मिला, जिसे हम चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं बेटा, ये चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी इसके साथ, इसे हम कहेंगे चुंबकीय प्रेरण। तो बच्चे चुंबकीय प्रेरण की जो घटना हुई, इसे हम कह सकते हैं म्यू नॉट एच मिला प्लस म्यू नॉट इनटू आई मिला। ठीक है बच्चों? अब बच्चों गौर से एक चीज देखना, इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ तो हम कॉमन ले पाएंगे, इसमें म्यू नॉट कॉमन आ गया और बेटा एच प्लस आई आ जाएगा। और कल ही हमने बच्चों एक पढ़ाई की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, एक तो रिलेशन आप देख सकते हैं, ये तो रिलेशन अभी इसमें जो हम पढ़ना चाहते थे एच बी आई में। और बच्चों अब हम इसकी एक और रिलेशन निकालेंगे जो चुंबकशीलता के बीच में होगी, ससेप्टिबिलिटी हम कहते हैं, और चुंबकशीलता और उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे उसकी जो रिलेशन आएगी कैसे, यानी एक रिलेशन बच्चों हम अगर बात करें म्यू आर और काई में निकालेंगे बेटा इस। ठीक है ना? तो कैसे आएगी बच्चों, तो हम जानते हैं काई बराबर होता है बेटा आई अपॉन एच। ठीक है? इस प्रकार तो बच्चों आई कितना हो जाएगा, काई एच हो जाएगा। तो बच्चों बी बराबर अगर हम म्यू नॉट कर दें, एच रख दें प्लस काई एच रख दें, तो यहां से आप देखो बच्चों अगर हम देखें तो बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एच कॉमन और वन प्लस काई। ये आ गया। अब बच्चे थोड़ी देर के लिए गौर करें, बी क्या है, बी है बेटा जो नेट चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है उस पदार्थ के अंदर। तो उस पदार्थ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी, और वो पदार्थ एयर वायु तो है नहीं, तो उसके लिए जो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं म्यू इनटू एच, ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो हम लिख सकते हैं म्यू इनटू एच बराबर म्यू नॉट एच
वन प्लस फाइव एस एच कैंसिल आउट कर दो बेटा, तो कितना आ गया, ये आ गया बेटा म्यू अपॉन म्यू नॉट वन प्लस काई। बच्चों आपको बहुत अच्छे तरह पता होगा कि म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट होता है बच्चों सापेक्षित चुंबकशीलता उस पदार्थ की एयर या वायु निर्वात के रेस्पेक्ट में उसके सापेक्ष। तो ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चा म्यू आर, तो म्यू आर कितना आ जाएगा बच्चों वन प्लस काई, ये भी एक रिलेशन आ गया हमारे पास। और हम ये बता देंगे कि म्यू अपॉन म्यू नॉट बराबर म्यू आर, तो दोनों ही रिलेशन काम किए बेटा। और डायग्राम से समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसमें एक चीज और कर देते हैं, हम वेक्टर का साइन भी लगा देते हैं क्योंकि ये सब सदिश राशि है, तो एक रिलेशन ये हो गई हमारी। अब हम बच्चों चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा अब बात होती है कि प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय लो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो बेटा एक एक करके बात करें कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ बेटा जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें चुंबक तो आता है बेटा, लेकिन वो बहुत थोड़ा आता है और बच्चों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आता है, ठीक है, यानी वो प्रतिकर्षित करते हैं अपने अंदर से, चुंबकीय क्षेत्र को नहीं गुजरने देते। तो ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं बच्चों, जैसे सिल्वर, सोना, कॉपर, तांबा, जिंक, ठीक है बेटा। और इसे सोना भी आता है बच्चों, एयू भी आप लिख सकते हैं सोना। अब बच्चों इसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। अब अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं बेटा, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में चुंबकत्व होते हैं, लेकिन उनमें भी आंशिक चुंबक आता है, लेकिन वो आकर्षित करेंगे हमेशा। ऐसे कौन से होते हैं, सोडियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ऐसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, आपको सारे तो याद करने नहीं। और बच्चे लो चुंबकीय सबसे ज्यादा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबक के जाते हैं बेटा, वो हमेशा बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं, जैसे आयरन, एफी, निकिल, कोबाल्ट आदि। अब बच्चों अगर एक एक करके इनके एक्सप्लेनेशन देखें तो कैसे देखेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ। तो बच्चों होता क्या है, इसमें हम एक बात और कह सकते हैं बच्चों, प्रति चुंबकीय वो पदार्थ होते हैं बच्चों जिनके अंदर जो नेट होता है बेटा, बलागुण तो नहीं कहना चाहिए, चुंबकीय आगुण वो शून्य होता है बच्चों, शून्य, ठीक है ना। और कब होता है बच्चों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो बच्चों सभी बार जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके अंदर जो भी परमाणु होते हैं बेटा, परमाणु बात करें, सभी परमाणु का नेट चुंबकीय आवरण बेटा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में शून्य होता है। अब बच्चों बात आती है इनका कैसा होता है, तो बच्चों इनका हर परमाणु कुछ ना कुछ चुंबकीय आवरण रखता है, यानी प्रत्येक परमाणु यह हम कह सकते हैं अणु, उनका बेटा अपना चुंबकीय आवरण होता है, वो अपना चुंबकीय आवरण कोई ना कोई रखते हैं, चुंबकीय आवरण होता है, ठीक है बेटा, उनका कोई ना कोई चुंबकीय आवरण जरूर होगा, यानी नेट चुंबकीय आवरण बच्चे शून्य नहीं होता क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी हम कह सकते हैं बी, जो हमारा बी नोट बाह्य क्षेत्र है उसकी अनुपस्थिति में, ठीक है बेटा। और इनका जो बच्चों एक चीज बताना चाहता हूं, प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आवरण होता है, लेकिन जितने भी पदार्थ होता है कोई भी टुकड़ा, उसके सारे परमाणु का नेट चुंबकीय आवरण जीरो रहता है बेटा, नेट चुंबकीय पूरे पदार्थ का नेट चुंबकीय आवरण बेटा, नेट चुंबकीय आवरण बट वो शून्य ही होता है, ठीक है। अब बात याद है बच्चों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों चुंबकीय आवरण तो होता ही है और चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में और प्रबल हो जाता है, तो उनका नेट शून्य नहीं हो पाता और प्रबल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में शून्य नहीं होता, कोई भी चुंबकीय आवरण बच्चों शून्य नहीं होगा, उनका कुछ ना कुछ चुंबकीय आवरण जरूर होता है, चुंबकीय आवरण शून्य नहीं होता।
और बच्चों शेत की उपस्थिति में तो और प्रबल हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों इनके ऐसे कारण क्यों होते हैं, अब इनके एक्सप्लेनेशन पे हम बात करेंगे कि इनके अंदर ऐसी क्या वजह है कि इनके अंदर ये परिस्थिति बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा पति चूंकि पदार्थ में सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं आपको बता दूं, इसके जो परमाणु होते हैं बेटा उनमें हमेशा जो है जोड़े में होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 ऐसे जो अधिकतर देखा पाया गया है कि ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु में सबसे लास्ट में बेटा सबसे बाद के ऑर्बिट में 2, 4, 6 यानी जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो पदार्थ चुंबकीय प्रति चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसको बात समझते हैं सर क्यों। तो बच्चों होता क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन जो बाहरी क्षेत्र में होता है बेटा वो अलग तरीके से मोशन कर रहा है, यानी उसका स्पिन मोशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा में घूमता है। तो इससे होता क्या है बच्चों, थोड़ा गौर से देखें। तो बच्चों जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है तो आप एक तरीके से देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन सपोज करिए घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है बेटा, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है बेटा घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है ऐसे। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि जो धारावाहिक बनाएगा वो किसमें बनाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज में बनाएगा। क्लॉकवाइज में बनने का मतलब है उस परमाणु में जो बाहर एक जो दृढ़ चुंबक बनता है या हम कह सकते हैं एक चुंबक द्विध्रुव बनता है बेटा, उसका ये दक्षिण ध्रुव बनता है, ये नॉर्थ ध्रुव बनता है, उत्तरी ध्रुव। तो बच्चों जो बल उसका चुंबकीय आघूर्ण किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस प्रकार से। तो बच्चों दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर आप देखें एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा उसी एटम में जो दूसरे दिशा में चक्कर लगा रहा होगा, क्योंकि उसका स्पिन मोशन अलग होगा, वो अगर बच्चों घड़ी की दिशा में लगा रहा है, घड़ी की दिशा में, इस प्रकार। तो बच्चों उसका जो चुंबकीय धारा बनाएगा बच्चों वो घड़ी के विपरीत में बनाएगा, और उसकी वजह से बच्चों जो उसका चुंबकीय क्षेत्र का जो आघूर्ण होगा बेटा वो ये वाला जो बनेगा ये नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा। तो अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण किस तरफ होगा बच्चों, इस तरफ होगा, आप देख सकते हैं। तो बच्चों एक ही एटम की बात करें तो अलग अलग फिगर में दिखाया जरूर हुआ है बेटा, तो बात यह आती है कि दोनों के चुंबकीय आघूर्ण, चूंकि चुंबकीय आघूर्ण बच्चों एक सदिश राशि और दोनों आपस में निरस्त हो जाते हैं, तो वो जो चुंबकीय पदार्थ है बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति है बच्चों, जब कोई बाह्य क्षेत्र नहीं है अनुपस्थित, तो बच्चों वो एक चुंबकीय जो हमारा जो परमाणु होता है वो एक सिंपल पदार्थ की तरह काम करता है, उसके अंदर कोई भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता, तो हम कह सकते हैं नेट चुंबकीय आघूर्ण बेटा, नेट बेटा वो जीरो होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम बाह्य क्षेत्र लगा दें तो हम देखेंगे कि बाह्य क्षेत्र में लगाने पे ऐसा क्या हो जाता है कि उनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है बेटा, इस पे बात करते हैं। तो इसी फिगर में आपको सिखाऊंगा कि अगर हमने कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है, और इसमें भी लगा दिया बेटा, तो अब क्या होगा, इसमें थोड़ा गौर से देखते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र बच्चे अनुपस्थिति नहीं है, ठीक है, तो मैंने कोई भी बी नॉट मान लिया, ये बी नॉट हमने अप्लाई कर दिया इस तरीके से। अब बच्चों गौर से देखो, अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ये ऐसे दिखाया गया पर ये पेपर के अंदर की तरफ है, और बच्चों बी इस तरफ आ रहा है, आप देखें थोड़ी देर के लिए इस तरफ से है, तो बच्चों इस तरीके से क्या होगा, ये जो बल होगा बच्चों ये किस तरफ जाएगा, आप देख सकते हैं बल जाएगा बाहर की तरफ, बल अंदर की तरफ जा रहा है, पर इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये तो जो रूल बनते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज के लिए धनात्मक, तो हम इसका उल्टा करेंगे, तो हम कहेंगे कि बल लगेगा बच्चों बाहर की तरफ लगेगा इसमें, इस तरफ, ऐसे इस तरफ भी होगा बच्चों, सब जगह यही होगा। तो बच्चों इसमें जब ये बल लगेगा चुंबकीय बल, बेसिकली बच्चों चुंबकीय बल है, तो ये बच्चों एक तरह से अपकेंद्र बल की तरह कार्य करेगा और इसकी स्पीड को कुछ कम कर देगा, तो स्पीड कम करेगा तो क्या होगा, इसमें से कुछ स्पीड कम कर देगा तो बच्चों जो चुंबकीय आघूर्ण है वो भी कुछ कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक चीज देखो, दूसरी बात बच्चों जब इसमें इस तरीके से गति करेगा तो ये ऐसे हुआ तो बाहर की तरफ बल जा रहा था, हम इसका उल्टा करेंगे, जो निगेटिव चार्ज है अंदर की तरफ आएगा, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो अंदर की तरफ लगेगा ऐसे चुंबकीय बल, और यहां पे भी अंदर की तरफ लगेगा। तो बच्चों ये ऐसे अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करेगा, और अभिकेंद्र बल किसी भी घूमती हुई चीज को क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बल तो समान लगेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र समान है, तो जितनी स्पीड यहां कम होगी उतनी बढ़ जाएगी, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण बेटा बढ़ जाएगा। तो बच्चों नेट चुंबकीय आघूर्ण अगर हम देखें दोनों के विपरीत दिशा में, शून्य नहीं होगा, अगर हम बात करें नेट चुंबकीय आघूर्ण बेटा, नेट तो जो नेट होगा बच्चों वो हो जाएगा एम, बड़े में से छोटा माइनस कर दें, डेल्टा एम माइनस डेल्टा एम,
ठीक है बेटा। तो जब इसे खोलेंगे तो आप गौर से देखो बेटा क्या होगा, ये कट जाएगा तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया बच्चों डेल्टा एम माइनस माइनस प्लस डेल्टा एम और ये आ गया टू डेल्टा एम। ठीक है बेटा, तो आप देखो कि इसका अंदर चूंकि अगर शून्य नहीं हुआ और इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि बड़े वाले की तरफ होगी, बड़ा वाला ये है तो नेट चूंकि आगुण जो बनेगा बेटा, नेट चूंकि आगुण वो इस तरफ बनेगा और हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा है बच्चों, इस तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बनेगा बेटा, आपको बात समझ आ रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बनते हैं और इसलिए प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये बच्चों प्रतिचुंबकीय प्रकार का व्यवहार हो गया और अब मैं आपको धीरे धीरे इस तरह से समझाऊंगा कि अनुचुंबकीय और लोचुंबकीय किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको अनुचुंबकीय पदार्थों का बच्चों बताता हूँ कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं कि वो किसी भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में चुंबकित हो जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसकी आप वजह देखिए बेटा। होता क्या बेटा, सबसे पहले आपको बता दूं रीजन, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं, उनके परमाणु के जो बाहर की कक्षाओं होते हैं उसमें जो हम कह सकते हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बच्चों विषम संख्या में होते हैं, ये बात बहुत ध्यान रखना, विषम संख्या। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होंगे यानी एक दो तीन चार पांच इस तरीके से, तो बेटा कभी भी जो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ डाइपोल मोमेंट उसका कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होता, इनका अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है। अगर मैं बात करूं कि इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण प्रत्येक एटम का बेटा, प्रत्येक एटम का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, चुंबकीय आघूर्ण प्रत्येक एटम का, ये समझने वाली बात है बच्चों, प्रत्येक परमाणु का शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता बेटा, ठीक है ना। इससे होता क्या बेटा, अगर मैं कोई अनुचुंबकीय पदार्थ ले लेता हूं, अगर मैंने कोई अनुचुंबकीय पदार्थ का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है बेटा, तो बच्चों होता क्या है, इसमें जितने भी एटम है वो एक चुंबकीय एक विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं और उनके सबके पास अपना चुंबकीय आघूर्ण होता है। अगर मैं बहुत सारे एटम ऐसे आपको दिखा दूं थोड़ी देर के लिए और इस तरीके से दिखा दूं, इस तरीके से ऐसे करके बहुत सारे पदार्थ अगर आपको दिखा दूं, तो ये सारे परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करते हैं, यानी इनका अपना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन ये सब चुंबकीय आघूर्ण बच्चों आपस में एक अव्यवस्थित तरीके से जुड़े होते हैं, इस तरीके से, और ये तब होता है बच्चों जो बाह्य विद्युत क्षेत्र जीरो होता है यानी अनुपस्थित होता है। तो एक बड़े कमाल की बात है कि पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण अभी भी, अगर हम बात करें बच्चों चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, तो बच्चों जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है उनका नेट बच्चों वो अभी भी जीरो होता है, वो अभी भी जीरो होता है, लेकिन हर परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय में आपने देखा था कि हर परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन इसमें हर परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन पूरे पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो आपस में अव्यवस्थित होते हैं और उन सबका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। और ये बच्चों होता भी क्या है, मैं आपको बता दूं, ये होता है तापीय ऊर्जा के कारण, तापीय ऊर्जा, इसको समझने वाली बात है बच्चों, तापीय ऊर्जा, क्योंकि तापीय ऊर्जा यानी टेम्परेचर के वजह से इनके पास जो भी एनर्जी रहती है सब ये अव्यवस्थित रहते हैं। ठीक है बेटा, अब बच्चों तो फिर इनके पास चुंबकीय आघूर्ण आता किस तरीके से, हम थोड़ा सा उस पर समझेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों बात ही रहती है कि जब हम कोई चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, मैंने इस डायरेक्शन में इस दिशा में कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो बच्चों अब आपको एक चीज पता होगी, अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई द्विध्रुव किसी चुंबकीय क्षेत्र में लगा जाए तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, और वो बल आघूर्ण भी आपने बेटा फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूले को आप अगर देखें तो उस फॉर्मूले का नाम है एन, या सीधा सीधा ये बात कह सकते हैं अगर हम बात करें कैपिटल एन बी साइन थीटा, है ना बच्चों। तो बच्चों ये बल आघूर्ण क्या करेगा, ये बल आघूर्ण उन सभी द्विध्रुव जो परमाणु है उनको अपनी दिशा में लाने की प्रयास करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र में। तो बच्चों जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं ये सारे के सारे जितने भी
परमाणुओं के द्विध्रुव गुण सब एक दिशा में हो जाते हैं इस प्रकार। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से होने के कारण जब सभी एक दिशा में हो गए, अब सबके द्विध्रुव आगुण आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे और नेट चुंबकीय आगुण शून्य नहीं होगा और ये कुछ बढ़ जाएगा, नेट चुंबकीय आगुण कुछ ना कुछ बढ़ जाता है और इस प्रकार से ये अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, हम कहते हैं अनुचुंबकीय हो गए, अनुचुंबकीय। हाँ बच्चों एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये जो वजह है ये कई बार बोर्ड में पूछी जाती है कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको याद रखना है बिना चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या व्यवहार है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या व्यवहार है। लेकिन बच्चे जो अनुचुंबकीय पदार्थ का द्विध्रुव आगुण है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फिर भी हाँ कुछ होता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि लोह चुंबकीय पदार्थ का होता है, तो उसके बारे में भी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ लोह चुंबकीय पदार्थ के जो व्यवहार होते हैं वो क्यों होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है बेटा, तो बेटा अब बात आती है कि लोह चुंबकीय पदार्थ इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको इनका व्यवहार बताने के लिए बच्चे थ्योरी बनाई गई थी वेसिस के नाम से, तो आपको नाम ज्यादा याद नहीं करना, वो थी डोमेन थ्योरी। वो डोमेन थ्योरी क्या है बेटा, उस डोमेन थ्योरी की बात करते हैं। तो बच्चों जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं लोहा जिसे हम आयरन भी बोलते हैं, इसका जो एटॉमिक नेम है वो Fe है, निकिल होता है बेटा इस तरीके से, कोबाल्ट होता है, ये सब, और ऐसे अगर कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ है, तो बच्चों इनके जो परमाणु होते हैं वो आपस में कुछ, अगर मैं कोई एक टुकड़ा ले लूं लोह चुंबकीय पदार्थ का, तो उनके जो परमाणु होते हैं वो एक छोटे छोटे से क्षेत्रों में डिवाइड होते हैं, यानी एक रीजन बनाए होते हैं, और बहुत छोटे छोटे से ऐसे रीजन होते हैं, जैसे मैं आपको ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ, एक रीजन ऐसे हो गया, ठीक है, और फिर एक रीजन ऐसे दिखा देता हूँ आपको ऐसे, फिर एक रीजन ऐसे हो गया, बहुत छोटे छोटे से ऐसे रीजन बनते हैं। ये रीजन कैसे होते हैं, उनके अंदर के जो परमाणु होते हैं वो हमेशा एक ही दिशा में होते हैं इस प्रकार से, एक ही दिशा मतलब उनका जो द्विध्रुव आगुण होता है सबका एक ही दिशा में होता है बेटा, और जो उनका जो नेबरिंग है, जो उनका पड़ोसी वाला कोई परमाणु है, वो आपस में कुछ इस प्रकार से नहीं होते हैं कि उनकी दिशा पहले वाले से हो सकता है अलग हो, लेकिन उनकी आपस में दिशा सेम होती है इस प्रकार से। इसी प्रकार से कोई अलग क्षेत्र है वो इस तरीके से होगा, इस प्रकार से कुछ इस तरीके से होंगे, इस तरीके से कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, और फिर कुछ इस तरीके से हो सकते हैं इस प्रकार से। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, बल्कि ऐसे ना करके हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, ये सबके द्विध्रुव आगुण की एरियल चित्र से मैंने दिखाया, सबके द्विध्रुव आगुण दिखाए हैं ये आप देख सकते हैं, तो सबके द्विध्रुव आगुण आपस में एक दूसरे से बेटा अलग है। तो ये छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं बच्चों, ने डोमेन नाम रखा गया था डोमेन। ठीक है बच्चों, तो इनके हर क्षेत्र में अपना एक द्विध्रुव आगुण है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपस में मिलकर सब क्षेत्र के जो द्विध्रुव आगुण है वो अभी भी शून्य होते हैं, तो कोई भी द्विध्रुव आगुण नहीं होता। ये सभी के साथ है बेटा, द्विध्रुव आगुण शून्य, नेट द्विध्रुव आगुण नहीं है अभी, सबका अपना अपने द्विध्रुव आगुण है लेकिन नेट द्विध्रुव आगुण नहीं है। कब नहीं है, जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र जीरो, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा। ठीक है बेटा, तो फिर द्विध्रुव आगुण बनेगा कैसे, कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इनको बताने के लिए दो तरीके की थ्योरी बताई गई थी बेटा। एक पहली थ्योरी है, जब बहुत बाह्य विद्युत क्षेत्र, अगर हम बात करें बाह्य विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बेटा, बार बार विद्युत क्षेत्र लिखा जाता है लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, वो अगर एक कह सकते हैं कि मध्यम हो, यानी बहुत ज्यादा ना हो, मध्यम बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, मध्यम हम इसे बढ़ाए, बहुत ज्यादा ना बढ़ाए बेटा, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डोमेन आप जो चुंबकीय आगुण बनता है वो किस प्रकार से बनता है, आप इसे देखिए बच्चों, इसमें चुंबकीय आगुण अगर हम देखेंगे तो वो कैसे बनेगा। हर बच्चे से बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डोमेन का विस्थापन, विस्थापन डोमेन का विस्थापन, इसका क्या मतलब है बेटा,
इसका मतलब ये है कि बच्चों हम कोई चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं, लगाते हैं और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो, लेकिन होता है। तो बच्चों कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं और उनका विस्थापन यानी उनका विस्तार होने लगता है, जैसे एक या दो मैं इस तरीके से, तो कुछ डोमेन ऐसे हो गए जिनका विस्तार हो गया और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गए इस प्रकार। ठीक है बच्चों, और इसमें थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं थोड़ा सा और, जिससे आप और समझ आए ये इस प्रकार से। तो अब होता क्या है बच्चों, कुछ डोमेन के जो जो द्विध्रुव आवरण है वो आपस में एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, यानी परमाणुओं के द्विध्रुव आवरण, और कुछ अभी भी ऐसे होते हैं बच्चों विपरीत दिशा में रहते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो बच्चों जिनके द्विध्रुव आवरण एक दूसरे की जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं तो उनकी वजह से कुछ द्विध्रुव आवरण बन जाता है, ये तो आपस में भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये थोड़ा है ये इसको इतना न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, तो कुछ ना कुछ बच्चों हमें अच्छा सा द्विध्रुव आवरण दिख जाता है, यानी वो शून्य नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से। और बच्चों इसमें दूसरी कहानी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है इस बात को। तो बच्चों अगला जो हम लोह चुंबकीय पदार्थ में द्विध्रुव आवरण और बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को और बढ़ा दें, यानी हम एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, तो एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने से बेटा क्या होगा, यानी बी नॉट की बात कर रहा हूं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की। तो अगर हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा दें तो अब इसमें आप गौर से देखना, जो डोमेन यानी जिन जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अभी भी परमाणुओं के द्विध्रुव आवरण एक दिशा में नहीं आए, इतने ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से वो भी एक दूसरे के रीजन की तरफ यानी एक दूसरे के समान दिशा में आने शुरू हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं आप देखिए, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, अब कोई भी द्विध्रुव आवरण एक दूसरे से विपरीत दिशा में नहीं रहता बच्चों, सब द्विध्रुव आवरण एक दूसरे से बिल्कुल समान दिशा में हो जाते हैं, इस प्रकार देख रहे हैं आप, इस प्रकार से बेटा, इस प्रकार। तो अब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बच्चों, सारी क्षेत्र की जो द्विध्रुव आवरण सब दिशा में हो गए, और बच्चों इस टाइम हमें जो नेट द्विध्रुव आवरण मिलता है बच्चों, नेट वो बहुत ही प्रबल हो जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा प्रबल, सही ना ये बात, क्योंकि सबके द्विध्रुव आवरण एक ही दिशा में हो गए और हम जानते हैं ये एक सदिशा क्षेत्र, सब वेक्टर एक दिशा में हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे और हमें एक बहुत स्ट्रांग द्विध्रुव आवरण मिलेगा। तो बच्चों ये जो है मैंने आपको बताया, मैंने आपको पीछे बताया इनके जो कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन, वर्णन किया है कि क्यों कोई पदार्थ अनुचुंबकीय बनता है, प्रतिचुंबकीय बनता है और लोहचुंबकीय बनता है। ठीक है ना, अब हम इनकी अगली क्लास में बच्चों सबकी व्यवहार प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कैसे व्यवहार करते हैं और अगर चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान नहीं होता तो कैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन वो पूरा एक बड़ा टॉपिक है जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इनके एक्सप्लेनेशन बहुत आते हैं बेटा, आप ध्यान से इनको समझना, आप अगली क्लास में हम मिलेंगे और अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।